इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2014 से महाराष्ट्र में ज्यादा सक्रिय हुए विधानसभा चुनाव के बाद। मजलिस के एजेंडे में मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को इंसाफ दिलाना है और मुसलमानों को पसमानदगी से दूर करने के लिए जो अफर्मेटिव एक्शन होना चाहिए वो रिजर्वेशन का है। आप तो जानते हैं मुख्तलिफ कमीशंस ने, कमेटीज ने ये बात कही है कि मुसलमानों को ख़ास तौर पर महाराष्ट्र महमूद रहमान कमेटी थी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये बातें कागज़ पर हैं, कमेटी के रिपोर्ट्स पर हैं, उसके बावजूद मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया जाता। इसी मांग को लेकर, इसके साथ में दूसरी और मांगों के साथ हमने तिरंगा रैली की थी। उसी मोमेंट को कंटिन्यूस करते हुए हमारे विदर्भ के साथी जनाब शाहिद रंगूनवाला, निसार भाई, जावेद भाई, विखार भाई, प्रोफेसर जावी साहब, ये सब मिलकर एक प्रोसेशन और जुलूस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद, महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज जलील की क़ियादत में निकाल गए हैं। कल वो जुलूस निकलने वाला है और हम एक निवेदन की फहरिस्त इस राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को देने वाले हैं। यही बात आपसे कहना, इलेक्शन के लिए आपके साथ खड़ी रहेगी। देखिए, हमको दस्तूर में बाबा साहब की संगठ जो दस्तूर है, कभी प्रेम भर पढ़ लीजिए, उसका जो इक्वालिटी समानता जो है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क, इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, रिजर्वेशन के जरिए ये जो पिछड़े भी है मुसलमान हैं उनको हम आम जनता के बराबर आना चाह रहे हैं। उनकी मानसिकता क्या है उस विषय पे बात करना नहीं है। हम संविधान में जो अधिकार हमको दिया गया है उसकी जंग कर रहे हैं और जंग जारी रहेगी। उनके मानसिकता या उनके विचार से ना हमें खौफ है ना डर है, हम हमारी जंग करते रहेंगे। 2014 में आगामी सरकार ने मुसलमानों का आरक्षण दिया था, लेकिन वो हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था। इस बार भी कुछ सरकार, आपका जब मॉब बढ़ेगा या फिर प्रेशर बढ़ेगा तो यही काम करेंगे, वापस फिर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वो जाके खारिज हो जाएगा। मेरे भाई, हाईकोर्ट ने मुस्लिम रिजर्वेशन में जो एजुकेशन था उसको कंटिन्यू किया था, रोजगार के जो मुद्दा था उसको स्टे किया था। तो बहरहाल एक बात तो आपको समझना चाहिए कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुसलमानों के एजुकेशनल रिजर्वेशन को अपहेल्ड किया था। ये तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी का ऑर्डिनेंस था जो दिसंबर 2014 में रैप्स हो गया। हुकूमत की इच्छा शक्ति नहीं थी। अब 2019 में फिर सत्ता में थे ना, ये फिर भी नहीं दिए। हमारा काम है कोशिश करते रहना, मांगते रहना और हमको उम्मीद है किसी ना किसी दिन हमको कामयाबी मिलेगी। अब मोर्चे की शुरुआत की जाएगी। मोर्चे का नेतृत्व प्रदेशाध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील साहब, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, महासचिव सैयद मोइन साहब, हम खुद राज्य प्रवक्ता प्राध्यापक जावेद पाशा, विदर्भ के अध्यक्ष शाहिद रंगूनवाला और दीगर सारे बड़े पदाधिकारियों के नेतृत्व में, और साथ में हमारे दो विधायक, एक धुलिया से है डॉक्टर शाह और दूसरे हैं मालेगांव से मुफ्ती इस्माइल साहब, ये भी हमारे साथ में रहेंगे। और एक खुशी की बात हम आपको बताना चाहते हैं कि इस मोर्चे में तमाम सामाजिक संगठनाएं भी शामिल हो रही हैं। तो ये देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा। आप हमें मिटाने की या खत्म करने की बात जहन से निकाल दो। मुसलमान इतना सख्त जान है कि बुरे से बुरे हम हर हाल में रहेंगे, लेकिन अगर है तो ये देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा। इन्हीं मुतालबात को लेकर के मुसलमानों को एजुकेशन के लाइन से मुलाजमत के लिए आरक्षण रखा जाए, वरना ये देश तरक्की नहीं करेगा। आज तो हम लोगों की जो